जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। बच्चे प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। डैडी बस आते ही होंगे, वो तुम्हारे घोंसले को और भी सुंदर बनाने के लिए कुछ ढूंढने गए हैं। प्यारी, मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढूंगा, उसे ढूंढूंगा सब जगह। एक, दो, तीन, हरा केला। रास्ते से हट जाओ। लाली, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा। रंगू मुझसे टकरा गया था। हट जाओ। तुम मना नहीं कर सकती लाली, इस बार तुम पक्का हिली थी। लेकिन तुम तो गिन भी नहीं रहे थे। रुक जाओ, तूफान हमारा अंडा उड़ा कर ले गया, बहुत ही बुरा हुआ, वो लुढ़क कर कहीं भी जा सकता है। यही अंत है, सोचो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने अंडे के अंदर हमारे बिना बिल्कुल अकेला सहमा और घबराया हुआ, क्या होगा उसका। मोगली, हमारी मदद करो। बिल्कुल, अब घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी तेज नाक और मोगली के शातिर दिमाग की मदद से हम उसे चुटकियों में ढूंढ लेंगे, है ना? क्या वहाँ कोई है? सॉरी। उम्मीद है हमारा बच्चा ज्यादा डरा हुआ नहीं होगा इस घने जंगल में। गोगू, गोगू, डैडी के पास वापस आओ। अरे हाँ, हवा, हमें हवा की दिशा में जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम हवा की दिशा में चलें, हमें मिल जाएगा गुगू। मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। ओह, मुझे घोंसला दिखाई दे रहा है। तबाकी तो यहाँ था, पर अंडे का कोई पता नहीं। अगर अंडा यहाँ नीचे गिरा होगा तो शायद तबाकी उसे ले गया होगा। तबाकी? वो सियार? अब क्या होगा? सांस लो रंगू, रुक जाओ, इतना काफी है। सांस लो डार्लिंग, तुम्हें सांस लेनी होगी। चलो तबाकी को ढूंढते हैं अभी। और अब तुम पहुंचोगे मेरे पेट में। बताना चाहोगे तुम किसके साथ खेल रहे हो तबाकी? कुछ नहीं। क्यों, कुछ भी तो नहीं मालिक, कुछ भी नहीं। मुझे बताओ तुम क्या छुपा रहे हो अभी और इसी वक्त। और बेहतर ताजा मांस। जाओ, मैंने कहा, मैंने तुम्हें बख्श दिया, तुम जा सकते हो। मैं खूंखार टाइगर हूँ। क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, मैं हूँ शेर खान, एक टाइगर। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। चलो अपना रास्ता नापो।
पर अगर ऐसा है तो मैं सिखाऊंगा कैसे बनते हैं खूंखार एक टाइगर की तरह। ये बुरा नहीं था जूनियर, पर तुम्हें और गुस्सा दिखाना होगा, समझे? ऐसे। कहीं शेर खान हमारे बच्चे को खा तो नहीं गया होगा। तुम जाओ, हम यहीं छुपते हैं, ये तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। मैं इसे संभालती हूँ और इसे शांत रखती हूँ। अंडा फूट गया। इस तरह से तुम अपना फर साफ कर सकते हो। खूबसूरती तुम्हारे शिकार को पसंद आएगी। और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शिकार कैसे करते हैं। आप कितने स्ट्रॉंग हो डैडी। मालिक, मालिक। बेवकूफ सियार कहीं के, तुमने जूनियर का लेसन बर्बाद कर दिया। लेकिन मालिक। चुप। मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। आ जाओ जूनियर, कोई बात नहीं, हम दूसरा शिकार ढूंढ लेंगे। जूनियर, मालिक, मोगली आपकी गुफा में है और मैं, मुझे अभी भी भूख लगी है। मोगली, वो कौन है? ट्वीट ट्वीट। जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। हम रेंगू और नारगू को ये खबर कैसे सुनाएंगे? शेर खान मुझे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। उसे तो अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है मोगली। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? हम बर्बाद हो गए। तुम एक बच्चे को कैसे खा सकते हो? हे, गुस्सा मत करो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, शेर खान ने किया है। ओह नो, शेर खान गुगू को खा गया, वो बच्चा जो अंडे के अंदर था। उससे भी बुरा, उसे लगता है कि वो उसका बेटा है और उसने तय किया है कि वो उसे सब कुछ सिखाएगा और उसे अपने जैसा टाइगर बनाएगा। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलकर खुद देख लो ना। तुम बहुत जल्दी सीख गए जूनियर, बहुत खूब। चलो अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। मैं थकी नहीं। पर सोने से हमारी ताकत बढ़ती है, सोने से हम और भी निडर लड़ाकू बनते हैं। डैडी, मेरे प्यारे डैडी। मैंने कहा था ना, उस पंछी ने मेरी जगह ले ली है। क्या तुम्हें लगता है मोगली और लाली ने गुगु को ढूंढ लिया होगा? गुगु, हमारा प्यारा छोटा बच्चा। छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। जूनियर को मुझे वापस दे दो। वो तुम्हारा जूनियर नहीं है। आओ। बहुत अच्छे जूनियर, शाबाश। पर तुम एक टाइगर नहीं हो, तुम एक पंछी हो। बहुत अच्छे, अब वक्त है तुम्हारे अगले लेसन का। जूनियर, इंसान के बच्चे को कैसे खाएं? छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। आह, मेरा बच्चा, मेरा गुगू। समझ नहीं आता कि वो झिझक कैसे सकता है। चुप। डैडी, वो लोग आ गए। उड़ते हुए डैडी, उड़ती हुई मम्मी। बिल्कुल, वो चाहता है कि तुम तीनों उसके माँ बाप बनो। जूनियर,
तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, पर मैं कुछ बांटता नहीं। मैं शेर खान हूँ, एक खूंखार टाइगर जिसका दिल नहीं है। अब तुम्हें अपने पंछी माँ बाप मिल गए हैं, जाओ अपनी जिंदगी जियो। शुक्रिया मेरे दोस्तों, हमारा परिवार फिर से एक हो गया तुम्हारी बदौलत। प्यारा नन्हा गुगु टाइगर की तरह गाता है।